नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत का खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानिए क्या है पूरा सच। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य समस्याओं के चलते बुखार को एम्स दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उनकी मौत की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही, जो पूरी तरह से अफवाह है, फर्जी है। आज के समाचार के मुताबिक वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य में सुधार भी है और उनके स्वास्थ्य में सुधार होने से लोग सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य स्थानों पर उनके मरने की खबर वायरल कर दिया है। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह के मरने की फर्जी खबर को सुनकर लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह डेथ डेट की खोज में लग गए हैं। अब इसका अपडेट हम आपको अभी नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग उनके मरने की बात सुनकर डॉक्टर मनमोहन सिंह एज के बारे में गूगल से पूछने लगे हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का उम्र 89 वर्ष हो चुका है। मृत्यु की खबर बिल्कुल फर्जी और अफवाह फैलाया गया। डॉक्टर मनमोहन अभी 89 साल के हैं और उन्हें एम्स के एक निजी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टर नितेश नाइक कर रहे। डॉक्टर नितेश ने कहा कि फिलहाल उनकी हालत ठीक है, उनकी हालत स्थिर है और सुधार भी हो रहा। एम्स अधिकारी ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार शाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य जानने के लिए उनसे मिलने भी आए। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।